डॉक्स का कोई नया अपडेट आया और मेरा वीडियोस ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं जानता हूँ आप मेरे वीडियोस का ही इंतजार कर रहे थे। इसके पहले मैंने एक वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था 15 मिनट रुक जाना है आपको, 15 मिनट के बाद आप जाकर चेक करेंगे आपके इसमें ऑन क्लेम का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे जहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं अगर सर्च कर रहा हूँ तो डॉक्स पर आपको दिखाई भी दे चुका है 15 मिनट वेट करना अगर आपके इसमें क्लेम ऑन चेन क्लेम का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अब लोगों को इसमें दिखाई देने लग चुका है तो मैंने सोचा वीडियोज आपके लिए बना लूँ किस तरीके से आपकी डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो ना, आपके पास पैसा आ जाएगा। यहाँ से ऊपर में लॉन्च दिखाई दे रहा है तो मैं डायरेक्टली इसे ओपन करता हूँ। मीम स्टिकर आर कमिंग, यहाँ पर नीचे में आपको दिखाई दे रहा है क्लेम ऑन चेन सपोर्ट पेवल, भाई उनको सपोर्ट जरूर करना। इसके पहले मैंने जो वीडियोस बनाए उसमें मैंने आपको बताया कुछ टास्क रहेंगे, उसे आप कंप्लीट कर लेना। आप अपना नाम डाल देना और नीचे में #FreeDhruv जरूर लिखना, भाई मदद करना चाहिए कि भाई उनकी, है ना। तो क्लेम ऑन चेंज पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टोकन टेबल, एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये कोई अदर नहीं है, नया प्रोजेक्ट है, उस पर आपको लेकर जाएंगे ताकि उससे पता चलेगा कितने लोगों ने अब तक क्लेम कर चुके हैं। तो लॉन्च द वेबसाइट वेब ऐप यू विल नाउ टू कनेक्ट इट वेबसाइट, ठीक है, भाई कनेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको एक वेलकम का मैसेज दिखाई देगा। टोकन टेबल क्लेम पोर्टल इज प्रोवाइडेड एज ASIS बेसिस एज ए पोर्टल टू इंटरफेस टू यूज द क्लेम पोर्टल यू मस्ट फर्स्ट रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ यूज सेड फोर्थ बिफोर। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन इसका समझ लेना, इतने ही टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको टिक करना है, बाकी अगर पढ़ना रहा तो कहाँ से पढ़ेंगे भाई, दिखना तो भी तो चाहिए, बस बोलते पढ़ लो अच्छे से और डायरेक्टली आई हैव रीड ऑल द एग्रीमेंट्स टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ यूज, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने में दिखाई देगा वेलकम टू टोन टेबल ट्रैक एंड क्लेम योर टोकन ऑनरशिप ऑल इन वन प्लेस। आप क्या कर सकते हैं, सब चीज़ें एक ही जगह पर ले सकते हैं, ट्रैक एंड क्लेम योर टोकन ऑनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट OKX वैलेट, जैसे आप कनेक्ट OKX वैलेट करेंगे तो आपके सामने में भी इसी तरीके से इंटरफेरेंस दिखाई देगा जो कि जस्ट मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेम। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई OKX वैलेट यूज पोर्टल टू वेब थ्री वैलेट ट्रेड NFT डेफी ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर OKX पर नहीं जाना, पर इनडायरेक्टली वो लेकर जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर में कनेक्ट वैलेट दिखाई दे रहा है, कनेक्ट वैलेट पर मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। कनेक्ट वैलेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में दिखाई देगा आपने कौन सा दिए थे, वहाँ पर टेलीग्राम वैलेट दिए थे, आपने टोन कीपर का एड्रेस, ओके, टोन कीपर का डी होंगे तो बहुत अच्छी बात है, या टेलीग्राम वैलेट का अगर एड्रेस दिए होंगे तो वो देना है, वहाँ पर सिलेक्ट करना। दे दिया आपने एड्रेस टोन वैलेट का और आपने टोन कीपर सिलेक्ट कर लिया, गलती मत करना, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे गलती करने वाले हैं, इसे क्या करना समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने टोन कीपर का ही दिया था, मैं टोन कीपर ही सबको सलाह देता हूँ, इसके अलावा हम कहीं पर भी नहीं जाते। टोन कीपर पर आपको क्लिक करना है, ये लेकर चलेंगे टोन कीपर पर, थोड़ा सा वेट करना है आपको। ओके, लोडिंग हो रहा है, कनेक्ट विथ एप्स ETSSign.xyz ETS रिक्वेस्टिंग एसेस टू यूर वैलेट एड्रेस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनेबल नोटिफिकेशन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से आप अपना कोड डाल दीजिए, पासकोड जो भी है आपका, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है आपको। यहाँ पर ये वापस लेकर जाएगा, अब जाकर आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, क्लेम ऑन टोकन टेबल पर जा रहा हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, जस्ट ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है। जब तक ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है, हम टोन कीपर पर जाते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं इनके तरफ से डॉग्स कुछ प्रोवाइड हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, अभी तक हमने क्लेम नहीं किए, इसके कारण हमें कुछ डॉग्स इनके तरफ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, पर यहाँ पर मैं हिस्ट्री पर जाता हूँ तो हाँ 25 टोन रिसीव्ड हुए हैं। हाँ, तो चलिए वापस चलते हम अपने टेलीग्राम पर और थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, ये जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि साइट सर्वर थोड़ा सा ठीक से नहीं चल रहा और बहुत सारे जन जब क्लेम कर रहे हैं तो भाई उसमें थोड़ा सा वक्त भी लग जाता है, मतलब क्रैश भी हो जाती है कभी कभी साइट, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वेट करते हैं और देख लेते कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये PTH हमने जो दिए हैं और सेम टोन कीपर पर PTH सही है या नहीं, ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है टोन के नीचे में, वो चेक करते रहना। USDT हमारे इसमें, नॉट कॉइन है, बाकी यहाँ पर आपको डॉक्स दिखाई देने लग जाएंगे, कनेक्ट है कि नहीं है, कनेक्ट तो है, डॉक्स सही है। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को और भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा चेक कर लूँगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, फेल टू फेस डेटा अनएक्सपेक्टेड टोकन नो अवेलेबल क्लेम यू डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट टोकन, भाई हमारे पास तो टोकन थे पर अचानक से ये ऐसा क्यों कह रहा है कि भाई हमारे पास प्रोजेक्ट टोकन है ही नहीं। एक्सप्लोर मोर ऑन द कम्युनिटी बोर्ड्स सपोर्ट पेवल, भाई इसको तो हमने पहले भी सपोर्ट कर चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके डॉक्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ओके, यस, तो यहाँ से क्या करना है आपको, फिर से कि एक बार लॉग आउट करके देखना है और कनेक्ट वैलेट
और दोबारा आपको क्या करना है, टॉन कीपर को कनेक्ट करके देख लेना, एक बार लॉगआउट करके चेक कर लेना आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। देखिए फिर से मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, कोड डाल देता हूँ और ये कनेक्ट हो जाएंगे। अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं उनके तरफ से, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा वेट करते हैं हम, अगर ये कनेक्ट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपके इसमें क्लेम ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा और उसके बाद आपको डायरेक्टली क्लेम करना है और आपके अकाउंट्स पर आ जाएगा टोन कीपर या टोन वैलेट या ओके एक्स, और उसके बाद डायरेक्टली आप कहीं पे भी ले सकते हैं, मतलब उसे स्वैप भी कर सकते हैं, स्टेक करके भी रख सकते हैं या जो करना है वो चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं हम, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इसके कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। जस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं क्योंकि सर्वर में इतना ज़्यादा रश चालू है कि भाई क्रैश भी हो सकते हैं सर्वर। देखिए फिर से कि हमारे साथ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इसको बाद में कर लेंगे हम। यहाँ से आपको जाना है बैक और यहाँ पर जाना है डॉक्स, ये मैंने क्लिक किया हूँ। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, कनेक्ट वैलेट दिखाई दे रहा है ऊपर में, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो वैलेट आपको कनेक्ट करना है यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके इसमें टोन कीपर है, अब हम क्या कर सकते हैं, टोन वैलेट कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हूँ और यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया हूँ टोन वैलेट, ठीक है। टोन वैलेट जो भी चीज़ आपको कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो गया है हमारे इसमें। अब बैक आता हूँ मैं, और बैक आने के बाद आप यहाँ पर ज़रूर चेक करना टोकन टेबल क्लिक, और यहाँ से लॉग आउट करना और कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन वैलेट इन टेलीग्राम, टेलीग्राम का वैलेट आप इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर मैंने क्लिक किया हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि वहाँ से मैंने चेंज कर दिया डॉक्स का, कनेक्ट वैलेट ये कनेक्ट हो चुका है। अगर इसमें भी सेम प्रॉब्लम आएंगे तो हम ओके एक्स पर जा सकते हैं, क्लेम करते हैं हम। थोड़ा सा वेट करना है आपको, यहाँ पर फिर से चेक करते रहना कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़्यादातर अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो डेफिनेटली हम टोन कीपर पर ही रहेंगे, क्योंकि सर्वर इतना ज़्यादा रश चल रहा है जिसके कारण कि हमारे इसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सेम ही दिखाई दे रही है। तो इसके कारण आपको क्या करना है, लॉगआउट करना है और इसके बाद आप ओके एक्स पर ले सकते हैं। हाँ, पर जिसका कनेक्ट हो गया तो मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगआउट करके अगर आपको लगता है कनेक्ट ओके एक्स वैलेट कनेक्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई बिल्कुल भी मत करना, थोड़ा सा इंतजार कर लेना, उसके बाद जैसे ही सर्वर ठीक होगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। पर जिससे हो चुका है, मिल चुका है, उनके लिए मैं आगे की प्रोसेस बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे कर दो स्टार्ट। ये देखिए जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद आपके इसमें टोटल ऑन कितने हैं, आपके इसमें टोटल डॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ओके यहाँ पर मैं कर ले तो सीधा और इसे कर दो तो इस तरीके से। ओके तो अवेलेबल आपको क्लेम है तो क्लेम नाउ पे आपको क्लिक करना है, कंफर्म द ट्रांजेक्शन द टोन कीपर, आपको टोन कीपर सिलेक्ट करना है। वो चीज़ मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। पर इसमें एक दिक्कत है, आपके इसमें लोडिंग होगा, यहाँ पर आपको देखो कॉल कॉन्ट्रैक्ट 0.42 टोन आपके पास होना चाहिए। अगर 0.42 टोन नहीं है तो भाई आपके पास पैसा डॉक्स नहीं दिखाई देगा। यहाँ से क्या करेंगे, स्लाइड टू कंफर्म पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्लिक कर देना है और रिफंड इतना आपके पास हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके इसमें पासवर्ड पूछेंगे, अगर आपके पास पासवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना, आपके इसमें ये ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगा, मतलब भाई डायरेक्टली कुछ टाइम लगेगा क्योंकि देखिए सर्वर इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे भाई नहीं, वेट फॉर ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन, योर क्लेम रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड एंड शुड बी रिफ्लेक्ट इन योर वैलेट शॉर्टली, आपके वैलेट पर वो शो होने लग जाएंगे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप डायरेक्टली अपने वैलेट पर जाएंगे टोन कीपर पर और यहाँ पर जाके चेक करेंगे तो आपके इसमें शो होने लग जाएंगे जिस तरीके से नीचे में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे में डॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको कुछ डॉक्स दिखाई दे रहे हैं तो नीचे में टोन भी दिखाई देने लग जाएंगे, कितने डॉलर आपको उनकी तरफ से प्रोवाइड हो रहे हैं। पर 0.42 टोन आपके पास होना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जब ये पूरी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो टोन कीपर में कीजिए, टोन वैलेट में कीजिए, पर ओके एक्स में करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने फ्री वो भी कर दिया है, ठीक है, ये भी चल रहा है। इनसफिशिएंट फंड इन वैलेट, ये मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। टू बी पेड 0.42 टोन लगेगा, ब्लॉकचेन फीस लगेंगी, जिसमें आपका बैलेंस जीरो है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो भाई आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ले सकते हैं, वरना थोड़ा सा आपको वेट कीजिए, उसके बाद पूरी तरीके से आपके इसमें दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि देखिए जस्ट सर्वर इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है कि भाई मेरे इसमें भी शो नहीं हो रहा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके एक्स बंद कर दीजिए, फिर से कनेक्ट कर रहे हैं हम टोन कीपर, और टोन कीपर को ही कनेक्ट करके रखेंगे हम।
क्योंकि चाहिए हमें टोन कीपर पर इसके कारण। जिसको आ रहा है तो भाई वो कर लीजिए, और जिसको नहीं आ रहा है वेट कीजिए। ओके हाँ देखिए हमारे साथ फिर से यही दिखाई दे रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी के चक्कर में पड़ेंगे और कहीं फंस गए तो भाई दिक्कत हो जाएंगे। तो नो अवेलेबल क्लेम, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यू डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट टोकन, प्रोजेक्ट टोकन नहीं है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये मैं यहाँ से ओपन इन द टेन टोन वैलेट कनेक्ट कर लेते, कनेक्ट टोन वैलेट, ठीक है। अब फिर से हम चेक करते, बाकी मुझे नहीं लग रहा क्योंकि सर्वर इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टोन्स है ना, तो मेरे इसमें क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। पर आप अपने पास टोन जरूर रखिए, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आप तुरंत ही इसे क्लेम कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। नहीं प्रॉब्लम चल ही रहा है, ओके थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में और अच्छे से आपको बता दूंगा।